चतुर्भुजं प्रसन्नमदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये बलोपेति महाराज की जय। अब जितने सब के विघ्न भगवान के बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। वो हमारे पंडित जी हैं भी ब्लॉगर ले लो तो फाइनली भैया एक साल के इंतजार के बाद ना वो दिन आ गया। मैंने ना 2022 में टारगेट लिया था कि मैं 1,00,000, उसके लिए मैंने अपनी जॉब छोड़ी, अपना सब कुछ छोड़ा और निकल गया लद्दाख कश्मीर पता नहीं कहाँ कहाँ जंगलों में कैंपिंग करने चला गया। और एक साल में 1,00,000 सब्सक्राइबर का मैंने चैनल लिया था और 2,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। तो इस 2023 में मैं आपका चैनल ले रहा हूँ कि 2 मिलियन सब्सक्राइबर और हल्द्वानी से कम 10 से ज्यादा सिल्वर बटन वाले बंदे अपनी टीम के अंदर होंगे। टीम मतलब हमारे जो हमको जानते हैं जो हमारे साथ घूमते हैं। हम मैं टीम क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि हम साबुन तेल शैम्पू बेचते हैं लोग हैं भैया। हमको टीम बना के ग्रुप में और आगे बढ़ने की आदत है, अकेले अकेले बढ़ने की आदत नहीं। इसलिए मैंने ना अभी हमारी टीम के अंदर ही कम से कम 20-30 हज़ार सब्सक्राइबर बहुत सारे हो चुके हैं, उनका भी बहुत जल्दी 50,000 1,00,000 का केक कटने वाला है। तो जब सिल्वर बटन 8-10 होंगे ना अपने मतलब पूरे ग्रुप में तो कितना मजा आएगा, क्योंकि आज के टाइम में ना लोग अकेले अकेले ग्रो करने आते हैं। लेकिन हमने एक प्लानिंग करी कि भैया हम कम से कम 10-20 लोगों का ग्रुप होगा जो सारे कहते हैं मिलियन सब्सक्राइबर वाले होंगे, लाखों वाले सिल्वर बटन होंगे, तो मजा आएगा नहीं आएगा? आएगा। तो आप सभी लोगों का बहुत 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 धन्यवाद और कि मेरे को इतना सारा प्यार किया और अपने अपने घर से लोग चंपावत से तक यहाँ पाए हैं। मैं गैस भी नहीं करता इतनी दूर से लोग यहाँ पाए हैं बताओ। और वैसे ये सडनली मैंने 2 दिन पहले अनाउंस किया इसलिए ना बहुत सारे लोग नहीं आ पाए, दिल्ली लखनऊ वाले वरना वो भी आते, क्योंकि ना ये अचानक से हुआ है हमारा प्रोग्राम। अगली बार बहुत जल्दी ना फिर के काटेंगे और 1 महीने पहले बता देंगे। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी सारे लोग आए ना इन सबके भी सब्सक्राइबर फटाफट ग्रो हो ताकि हम इनके भी गेट पर। हमारा वही वाला गाना जो पापा गाएंगे राम वाला चलो आओ सुबह वाला कौन सा वो गाना था? चलो शुभ घड़ियां हमारी आओ सुबह वाला चलो आओ सुबह घड़ियां घर घर खुशी के दीपक जले, घर घर खुशी के दीपक जले, ऐसी खुशी में मनाओ रंग रलिया मनाओ रे चलो आओ सुबह घड़िया। ये हमारा अपना पर्सनल कॉपीराइट फ्री सॉन्ग है, बाकी लोग तो पैसे के लिए कॉपीराइट मारते हैं। तो यार आप सब लोग का बहुत 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 धन्यवाद। और पापा को कैसा लग रहा है पापा से पूछ लो एक बार सब लोग, क्योंकि ना पापा के सारे लोग बढ़िया लग रहा है। बताइए अंकल जी कैसा लग रहा है आपको? टीम से जुड़े हुए हैं टीम भावना से आप इनसे भी आगे पहुंचो ये मेरी शुभकामना है। देखिए वो बकाडी खोली नहीं खोली ये पूछना। मैंने पूछ लिया नहीं खोली है। बहुत लोगों का सवाल है कि बकाडी के बारे में। वो यादगार है मेरे लिए यादगार। मेरी मम्मी अंडा अंडा उन्हें आते हैं शुभकामना है, बहुत बहुत आशीर्वाद नहाना भी पड़ेगा लगा लगा के कोई फायदा नहीं। अगर सब खिलाने पाए तो सर अरे रोहित सर कुछ कह रहे हैं भाई भाई को बधाई आप फिर से भाई ये क्या हाल बना दिया मेरा ये तो यार भाई रुको रुको एक टीका भी रखिए। और यार भाई यार ये सब लोग के प्यार की वजह से हो रहा है तो आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद यार। और गाइस मेरी दिल से दुआ है कि रोहित भाई यार जल्दी अपना 5 मिलियन करे काटे और साथ में हम भी पक्का 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 पक्का। तो भैया लोगो हम कौन है? पहाड़ी कैसे होते हैं? लोग तो कहते हैं हम बड़े सीधे होते हैं तो गलत फहमी थे भैया हमारे 2,00,000 सब्सक्राइबर पार्टी में दुष्ट होते हैं तो सच में यार आज का तो दिन बन गया कसम से यार मजा आ गया। सब लोग धीरे धीरे जाने लग गए हैं और इस उम्र के लोग भी यहाँ पे आए हैं और जिस दिन हमने आशीर्वाद देने आई हुई मेरा बेटे का जैसा है बेटे के बराबर है
और इसको खूब सपोर्ट कर देना। शायद आगे बहुत जल्दी हमारी और मुलाकात होगी, तो आपको पता है, ठीक है। यहाँ आकर हमको भी अपना ऐसा लगा, हम भी घर पे आए, लगना भी चाहिए। ठीक है, ओके, सबका थैंक यू सो मच। तो भाई अभी बहुत सारे लोग निर्णय आते आ रहे हैं, उनसे अब कहते हैं धीरे धीरे, अभी भी लोग आ रहे हैं। तो अपनी ये जो अपनी वाली ओरा वाली है ना मैडम, ये भी आ गई है, योगिता, और ये काफी लेट आई, लेकिन केक तो खा लिया तूने? हाँ, खा लिया। और इनके साथ एक और मैडम आई है हमारी, ये भी इतने ओरा से हैं। इनको देख के ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना के वो लोग आ गए मुझे लेके जाने वाले हैं, कोविड वाले ना, पूरे मास्क वास्क पहन गए थे, बिल्कुल सेम जैसे लग रहे थे लोग। मास्क उतार दिया। तो भाई जी अभी क्या है ना, अभी मैंने सारे लोगों को विदा कर दिया था, सब लोगों ने आके एक एक करके भाई केक खिला के अच्छे से अलविदा किया। और मुझे लगा सभी लोगों का धन्यवाद जो हमारे उत्तराखंड से हैं, जो हम जैसे छोटे छोटे ब्लॉगरों को सपोर्ट करते हैं। प्लीज़ आप सब लोगों को दिल से धन्यवाद करता हूँ, प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए यूकेटी ब्लॉग्स। और अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग से बूम।